मिलनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, यही तो बात है आपका। जी बोलिए सर। कल हम आए थे आपके पास, बिल्कुल सही कहा सर, अगर आपने पैसे ना दिए होते हम लोगों को, 6 बच्चे आए थे हम लोग, शायद भूखे सो गए होते। अरे ना ना, ना ये किस अपना जिक्र करो कि पाई वो देखो, मैं एक लंबा जीवन मैंने हॉस्टल में गुजारा है, ऊपर किसी का उधार है, तुम जब नौकरी में आ जाना तो तुम किसी को उधार को चुका देना, तो ये ऐसा है चलता है। इसमें ये मत सोचो कि भूखे, हाँ भूखे पेट नहीं सो सकता, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, वो गलत है। आप अपनी बात कहिए, कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दा है? कानपुर यूपी से आए हैं, हमारी 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद रेलवे में कोई भी भर्ती नहीं है। रेलवे 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2019 में भर्ती आई थी हमारी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें बोला गया था, वेटिंग हटा दी गई थी, बोला गया था सेकेंड डिवी आएगी अगर बच्चे जो है एबसेंट होते हैं या मेडिकल वो होता है, जबकि 13 जोन की आ चुकी है सेकेंड डिवी, और हमारा हुबली जोन है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, हमारे जोन की सर सेकेंड डिवी नहीं आ रही है। हम लोग बहुत सेकंड क्या नहीं आ रही, सेकंड राउंड डीवी। अच्छा, सेकंड राउंड डीवी का मतलब क्या हुआ? जो वेरिफिकेशन सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब हम लोग हुबली गए तो वहां पे बोला गया कि आप रेलवे भवन जाइए, हम लोग रेलवे भवन में 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं अधिकारी। हम सर आपसे यही भी चाहते हैं कि आप हमारी बात सर, श्री रेलवे मंत्री अश्विनी चौबे, आपने नौकरी पास कर ली है रेलवे की, बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जी सर, जी। देखिए, एक पेंशन के लिए परेशान है कि लड़ाई लड़ने आए हैं, और एक ये लग गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए लिहाजा उनकी नियुक्ति हो जाए, तो वो नियुक्ति के लिए परेशान है। मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखता हूं, और 4 साल में सर दोबारा चुनाव आने वाले, 2019 में चुनाव हुए थे, 2024 में फिर चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने पूरा चुनाव हो जाएगा, 5 साल से हमारी भर्ती हो गया, अभी वैकेंसी नहीं पूरी हो पाई हमें। 5 साल से भर्ती जी? अरे पेंशन वाले भैया, ये नहीं चलता। आपकी पेंशन मिल जाए, किसी का नियुक्ति पत्र आए ना आए, ऐसी तैसी में जाए, क्या मतलब है? तो भाई साहब आप भी तो ध्यान देंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होगा कि आपका बुढ़ापा सुरक्षित होना चाहिए। आपके जो ऑफिसर्स हैं उनसे दरखास्त करेंगे, अगर 4 साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो तत्काल रूप से होना चाहिए, और इसमें कहीं भी देरी नहीं होनी चाहिए, अतिशीघ्र होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेकंड राउंड डीवी दे दे, हम बस यही दरख्वास्त करते हैं। बिल्कुल, आपको मिले, यही सबसे बड़ी बात है। आज बात भ्रष्टाचार की है।